आज के वीडियो में हम लोग बीजगणित का जोड़ अथवा घटाव कैसे करते हैं ये समझेंगे, अर्थात बीजगणित की संक्रियाएं कैसी होती हैं ये समझेंगे। तो हमने चार उदाहरण लिया है, चारों उदाहरण चार तरह का है और ये ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि आपने इस चारों का सॉल्यूशन देख लिया तो आप बीजगणित के जोड़ अथवा घटाव में कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी बीजगणित के वैसे जोड़ घटाव हैं जो भिन्न के रूप में हैं, फ्रैक्शन के रूप में है। तो चलिए आइए देखिए कैसे करते हैं। पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं 2x बटा y प्लस 3y बटा x, ये है पहला उदाहरण। तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके हर में कोई उभयनिष्ठ है कि नहीं है, अगर नहीं है तो सीधा गुणा कर देंगे। तो एक्स वाई में कुछ उभयनिष्ठ नहीं है एक को छोड़ के, तो यहाँ एक्स वाई अर्थात एक्स गुना वाई। अब वही है जो भिन्न का जोड़ हम बनाते हैं, y से एक्स वाई में भाग देंगे तो वाई वाई कट जाएगा, बचा क्या x, और इस x से 2x में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, चिन्ह है प्लस का, चिन्ह है यहाँ प्लस का। अब क्या करेंगे कि एक्स वाई में एक्स से इस बार भाग देंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या वाई, और वाई से थ्री वाई में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि अब इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे तो हमारा आंसर हो। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण कुछ अलग टाइप का है, तो हमें फिर यहाँ पर हर का LCM लेना है। LCM कैसे लेंगे, तो देखिए यहाँ x है y है, यहाँ भी x है y है, तो सीधा ऐसे प्रश्न में एक्स वाई यहाँ लिख देंगे और देखेंगे कि x का अधिकतम पावर कितना है, दो है, y का अधिकतम पावर कितना है, दो है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका LCM हो जाएगा। अब एक्स वाई स्क्वायर से इसमें भाग देंगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x का पावर यहाँ एक है, यहाँ x का पावर दो है, तो यहाँ कटेगा और बचेगा x का पावर एक अर्थात x, तो x बचेगा और x में एक से गुना करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा x माइनस। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर वाई से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक वाई को कैंसिल कर देगा, बचेगा एक वाई, और एक वाई से एक में गुना करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा वाई। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं, एक बटा एक्स वाई माइनस एक बटा एक्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ है एक्स वाई यहाँ है एक्स, तो यहाँ सीधा लिखेंगे एक्स वाई, क्योंकि दोनों लिखेंगे एक्स है वाई है, इसमें एक्स है वाई नहीं है, फिर भी यहाँ एक्स वाई हम लिखेंगे। अब देखेंगे एक्स का अधिकतम पावर, तो यहाँ भी एक यहाँ भी एक, वाई का अधिकतम पावर एक, तो एक्स वाई ही रहने देंगे क्योंकि एक्स पर एक है वाई पर एक है। अब एक्स वाई में एक्स वाई से भाग देंगे, कटेगा एक हो जाएगा, और एक में एक से गुना करेंगे तो एक, चिन्ह है माइनस का। अब एक्स वाई में एक्स से भाग देंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वाई, और वाई में यहाँ पर एक से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा वाई। तो ये हमारा हल हो गया, वन माइनस वाई बटा एक्स वाई। अब चौथा उदाहरण देखते हैं, ये थोड़ा सा सावधान रहेंगे इसमें, इसका और इसका हमें LCM निकालना होगा क्योंकि ये भी हर है ये भी हर है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये x प्लस वाई दोनों में है, x प्लस वाई दोनों में है और दोनों का पावर भी एक है, सेम है, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई, यहाँ है x और यहाँ क्या है y, तो दोनों लिखेंगे, तीनों टाइप लिखेंगे, x तो x, y y और जो दोनों में है उसे एक ही लिखेंगे, है दोनों में लेकिन लिखेंगे क्या एक ही, क्योंकि ये दोनों में है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई से एक्स इंटू एक्स प्लस वाई से भाग देंगे तो स्पष्ट है कि ये एक्स और ये एक्स प्लस वाई कट जाएगा, बचेगा क्या वाई, और इस वाई से दो में गुना करेंगे तो क्या होगा टू वाई, चिन्ह है प्लस का। एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई में y इंटू एक्स प्लस वाई से भाग देंगे, x प्लस वाई कैंसिल, ये y से y कैंसिल, बचेगा क्या x, अब इस x में एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो इन चारों उदाहरणों से जरूर स्पष्ट हुआ होगा कि बीजगणित की संक्रियाएं कैसी होती हैं, जोड़ अथवा घटाव कैसे किया जाता है। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं
अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।